अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी का जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ये गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले 1-2 दिन से अपने ससुराल गई हुई हूँ, तो मुझे वहाँ पर तो टाइम मिला नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा गाड़ी से ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी हम चलते हैं बारामूला। मैं हूँ और मेरी ननद उमेर की आंटी है, उमेर है और अब्बू ज़र है। तो चले फिर चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं बारामूला। सबसे पहले हमें लेनी है मिठाई। आ गए थे हम यहाँ लवली स्वीट, यहाँ से मिठाई लेके उसके बाद हम चलते हैं हॉस्पिटल। फिर मैं आपको बोलूँगी हम क्यों आए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, मिठाई ले ली। मतलब आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि हम क्यों आए हैं। जी, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है उसकी माशाल्लाह से बेटी हुई है, तो हम सब उन्हीं को देखने हॉस्पिटल आए हैं। तो चलें फिर चलते हैं अंदर। ये अबू ज़र ये अपनी बहन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गए जी हम उनको मिल के। माशाल्लाह से दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब हम चलते हैं घर। अबू ज़र को हमने मुश्किल से लाया है, क्योंकि ये बोल रहा था मुझे हॉस्पिटल में ही रहना है। तो उनके मामू ने उनको मुश्किल से मना के गाड़ी में बिठाया। अब एक जिद कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसको बड़ा मुश्किल है घर लेके जाना। बोल दे अभी टाइम है, शाम को देखना फिर नेट पे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि अब उधर को मोमोज खाने थे, तो उमेर गया है वही लाने के लिए। तो उसके बाद हम चलते हैं सीधे घर, क्योंकि हमें लेट हो रहा था, क्योंकि मैं गुड़िया को घर पे छोड़ के आई हूँ अपनी दीदी के पास। अब पता नहीं वो क्या कर रही होगी। 1-2 बार मैंने फ़ोन तो किया था तो वो सोई थी। तो फिर भी जल्दी जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रहती है। अब थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी है तो मेरे बिना नहीं रहती है। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं बोनियार मार्केट। उमेर गया है दूध लाने के लिए और सब्ज़ी वगैरह कुछ लाने थी घर के लिए। तो ये बैठा है अबू ज़र, ये बारामूला से सो के आए मेरी गोद में, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो लास्ट जो मैंने व्लॉग डाला था शिरपुरा वाला, उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि अबू ज़र भी हमारे साथ गया था, कि अबू ज़र बोला था ये आपका बेटा है। जी नहीं, ये माशाल्लाह से मेरी जो बड़ी वाली ननद है ये उसका बेटा है। मेरी तो अभी 4 महीने की एक बेटी है। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा। चुप रहो। वहां से रास्ता कहाँ से जी? ओ, ओ, एक मिनट यहाँ से पहले देख लीजिए। यहाँ से कलर अच्छे नहीं है। तो ये था जी नेक्स्ट डे। तो मैं आई थी गुड़िया को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि वो 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने सोचा उसको मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ। तो और मुझे लेना था अपने लिए फेरन, क्योंकि विंटर के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था अब फेरन का, क्योंकि कपड़े वगैरह मुझे नहीं लाने थे। तो हम अभी आ गए हैं वसीम, कुछ पता नहीं क्या नाम है इस शॉप का, तो यहाँ पर। तो चलें फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं। मैं
आप शॉप बंद करने लगे थे? हमें तीन चार शॉप है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम करके। सर ये निकालो ये इसमें से। तो ले लिया था मैंने अपने लिए एक फेरन, तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, तो हम दोनों ही आ गए थे क्योंकि मुझे लेना था फेरन, फिर गुड़िया को साथ में लेके तो नहीं घूम सकती थी, तो इसलिए मैं अपनी ननद को साथ लेके आ गई थी। किसकी जिंदगी है? मनी को गाड़ी नहीं चलती, फिर नहीं करती है मैं, फिर नहीं करती है। तो ये जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का मिला के मैंने बनाया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ अपने माइक के, तो ससुराल में बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे काम भी था क्योंकि सिस्टर-इन-लॉ की डिलीवरी हुई थी, तो बहुत सारे मेहमान आ भी रहे थे, तो फ़ोन उठाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप लेके मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्न। ये मैं 2 लेके आई थी, तो इसमें से मतलब एक जो है वो मैंने ट्राई किया था, बट ये वाला मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो आज ये ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। फिर गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी वो पॉपकॉर्न, क्योंकि इसमें तो अब एक्स्ट्रा कुछ और डालना नहीं होता है, इसमें सब कुछ उधर से डाल के बस इसको कढ़ाई में डाल के ढक के 1-2 मिनट इसको लगते हैं बनने में, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये ला के घर में रख देती हूँ क्योंकि मुझे ये आसान लगते हैं बना के खाने। तो चलिए इसको मैंने रख दिया है ढक के, तो 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ये हो गए हैं रेडी, तो अभी मैं चेक कर रही थी कि कोई और तो नहीं बचा है इसमें, बट ये पूरा डन है, तो चलें फिर इसको एंजॉय। तो अभी हो गए ये डन, अभी इसको खाएंगे। ये रहे जी हमारे पॉपकॉर्न जो कि रेडी हो गए। चलो जी इनको ट्राई करते हैं। कौन ये हमारी बुखार इतनी अच्छी जल रही है। अभी मैं और मम्मा कर रहे हैं पॉपकॉर्न को एंजॉय, तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका क्या ही चला जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।